दुर्ग के गजपारा श्री शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में कुंवर नवरात्र पर्व के अवसर पर 9 दिवस तक प्रतिदिन कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसे बड़ी संख्या में कन्याएं पहुंच रही है। नवरात्र के पावन अवसर पर देश में कन्याओं को माता के रूप में पूजा जाता है। इस आह्वान को लेकर दुर्ग के गंजपारा स्थित श्री शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र के 9 दिन बड़ी ही आस्था के साथ 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस वर्ष भी 9 दिवस तक प्रतिदिन कन्या भोज का आयोजन कर प्रतिदिन 108 कन्या माताओं को कन्या पूजन कर कन्या भोज कराया गया। साथ ही भोजन पश्चात सभी कन्याओं को भेंट स्वरूप टिफिन, वाटर बैग, फल, मिष्ठान एवं अन्य उपयोगी सामग्री वितरित की गई। समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के पावन अवसर पर देश में कन्याओं को माता के रूप में पूजा जाए, यह आह्वान को लेकर 12 अक्टूबर शनिवार को महाकन्या भोज का आयोजन रखा गया है, जिसमें एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को दुर्ग के पुराने गंज मंडी में एकत्रित कर कन्याओं को माता की चुनरी उड़ाकर पैर में माहूर लगाकर कन्या माताओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के पश्चात माँ दुर्गा मंदिर में कन्या पूजन कर सभी कन्या माताओं को भोज कराया जाएगा। तत्पश्चात कन्या माताओं को भेंट देकर आशीर्वाद भी लिया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। में दुर्ग को धर्म की नगरी कहा जाता है। इस धर्म की नगरी में शक्ति चौरा एक पावन धाम है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्याओं में कन्या माताओं का कन्या भोज कराया जाता है। कुंवर नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य पर हम शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर समिति के द्वारा प्रतिदिन 9 दिवस तक कन्या भोज कराते हैं, जिसमें लगभग 150 से 200 कन्या माताएं को कन्या भोज कराकर उनको उनकी उपयोग की सामग्री वितरण करके भेंट सामग्री दी जाती है। देश में कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए, इस आह्वान को लेकर और कन्या भ्रूण हत्या पूरी तरीके से बंद हो, इस मात्र उद्देश्य को लेकर श्री शक्ति चौरा दुर्गा उत्सव समिति और शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर समिति यह आयोजन करती है। हम दिनांक 12 तारीख दिन शनिवार को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महाकन्या भोज का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा कन्या माताओं को एक साथ एक स्थान एक समय पर कन्या भोज कराया जाएगा। शहर के सभी नागरिकों से हम अपील करते हैं कि इस महाकन्या भोज में अपने अपने वार्ड, नगर, बस्ती की सभी कन्या माताओं को इस कन्या भोज में अवश्य भेजें। शक्ति चौरा मंदिर में यहाँ पर पूरे 10 दिन तक, एकम से लेकर दशमी तक, पूरी कन्याओं का भोजन होता है, जिसमें सरकारी स्कूल की कन्याओं को रोज़ अलग अलग कन्याओं को चेंज करके 120-125 कन्याओं का भोजन किया जाता है। उनको प्रसादी में फल फ्रूट और जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको गिफ्ट में दिए जाते हैं। और 12 तारीख को एक बहुत बड़ा महाकन्या भोज का आयोजन किया जाता है समिति द्वारा, जिसमें 2000 से आसपास करीब कन्याओं का भोजन रहेगा। बहुत ही विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है कन्याओं के लिए, बहुत अच्छा लगता है कन्याओं को। नारी शक्ति को लेकर भी एक संदेश दिया जाता है, जिस तरह से 12 तारीख को जो आयोजन हो रहा है, रूप में क्या संदेश मिलता है? देखिए, नारी शक्ति के लिए मैं ये बोलूँगी, जो छोटी कन्याएं हैं यहाँ पे, मैं जितने ज़्यादा टाइम से आ रही देख रही हूँ, छोटी छोटी सरकारी स्कूल की पूरी कन्याओं को लेकर आते हैं लोग और उनको एक अच्छे गिफ्ट्स प्रसादी दी जाती है, बहुत भव्य आयोजन के लिए। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।